पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने दो आतंकवादियों को किया ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को किया ढेर, कई घंटे चला एनकाउंटर, घाटी में 24 घंटे में 5 आतंकी ढेर। आज उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर से करेंगे मुलाकात, दोनों नेताओं में हुआ है गठबंधन। ओवैसी का आज बहराइच दौरा, अपनी पार्टी के चुनावी दफ्तर का करेंगे उद्घाटन, यूपी में 100 सीट पर चुनाव लड़ने का ओवैसी ने किया है ऐलान। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का निधन, शिमला के अस्पताल मिली आखिरी सांस, लंबे वक्त से बीमार थे वीरभद्र सिंह। नई केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक आज शाम 5 बजे, मंत्रियों संग मंथन करेंगे मोदी, 43 मंत्रियों ने बुधवार को ली है शपथ। 15 अगस्त तक सभी केंद्रीय मंत्रियों को दिल्ली में रहने के आदेश, सांसदों से मुलाकात के भी दिए गए निर्देश, मॉनसून सत्र में संसद से ही काम करेंगे मंत्री। विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय खुद मॉनिटर करेंगे पीएम मोदी, स्मृति ईरानी को मिला महिला और बाल विकास मंत्रालय, पुरुषोत्तम रूपाला को डेयरी और पशुपालन मंत्रालय। देश के पहले सहकारिता मंत्री बने अमित शाह, मंगलवार को ही सरकार ने किया था इस नए मंत्रालय का गठन। भूपेंद्र यादव को श्रम मंत्रालय की कमान, पर्यावरण मंत्रालय भी भूपेंद्र यादव के पास, अनुराग ठाकुर को दिया गया खेल मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी अनुराग ठाकुर के पास। नारायण राणे को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय, गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय की कमान, मीनाक्षी लेखी को विदेश राज्य मंत्री बनाया गया। पीयूष गोयल को वाणिज्य के साथ कपड़ा मंत्री का भी प्रभार, अश्विनी वैष्णव को रेलवे और आईटी मंत्रालय का जिम्मा। जेडीयू कोटे से रामचंद्र प्रसाद सिंह को इस्पात मंत्रालय का जिम्मा दिया गया, आरके सिंह को ऊर्जा मंत्रालय का जिम्मा मिला, किरण रिजिजू बनाए गए कानून और संस्कृति मंत्री। अनुप्रिया पटेल बनाई गई वाणिज्य राज्य मंत्री, एसपी सिंह बघेल को कानून राज्य मंत्री का जिम्मा, अजय भट्ट को रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री की जिम्मेदारी। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम और शहरी विकास मंत्रालय का जिम्मा मिला, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी गई। अनुराग ठाकुर को खेल मंत्रालय के साथ साथ सूचना प्रसारण मंत्रालय का भी जिम्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी। किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी, इससे पहले रविशंकर प्रसाद थे देश के लॉ मिनिस्टर, सर्बानंद सोनोवाल को आयुष एवं शिपिंग मंत्रालय। मोदी की नई कैबिनेट में मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य मंत्रालय, एलजेपी के कोटे से पशुपति पारस को फूड और प्रोसेसिंग मंत्रालय। मोदी कैबिनेट का बदला चेहरा, नए मंत्रिमंडल में 43 मंत्रियों ने ली शपथ, सरकार में शामिल हुए 28 राज्य मंत्री। नई कैबिनेट में 15 कैबिनेट मंत्रियों समेत 43 मंत्रियों ने ली शपथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, वीरेंद्र कुमार और अश्विनी वैष्णव बनाए गए कैबिनेट मंत्री। किरण रिजिजू, हरदीप पुरी और साथी अनुराग ठाकुर समेत 7 मंत्रियों का हुआ प्रमोशन, भूपेंद्र यादव समेत कई युवा चेहरे कैबिनेट में शामिल। कैबिनेट विस्तार के बाद देश की अब तक की सबसे युवा कैबिनेट, नई कैबिनेट में मंत्रियों की औसतन उम्र 58 साल। मोदी कैबिनेट में यूपी का दिखा दबदबा, यूपी से 7 नए मंत्रियों को मिली मोदी कैबिनेट में जगह, उत्तराखंड से अजय भट्ट को भी जगह, सीएम योगी ने नए मंत्रियों को बधाई दी। मंत्री बनते ही नारायण राणे ने मराठा आरक्षण को लेकर उद्धव ठाकरे पर घेरा, कहा उद्धव सरकार ने पिछड़ा आयोग से राय नहीं ली, मराठा आरक्षण के लिए प्रयास करूंगा। कैबिनेट विस्तार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट की फोटो, नए मंत्रियों को दी बधाई, कहा मजबूत और समृद्ध भारत के लिए काम करेंगे। रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर और डॉक्टर हर्षवर्धन को अपने पद से देना पड़ा इस्तीफा, इन तीनों के पास थे सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान में लिया स्टॉप ओवर, ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से की मुलाकात, अफगानिस्तान के हालात पर मंथन हुआ। पेट्रोल के बाद अब सीएनजी भी हुई महंगी, दिल्ली में सीएनजी की कीमत 44 रुपए प्रति किलो के पार। आम लोगों की जेब पर एक बार फिर से पड़ी मार, पेट्रोल और डीजल में एक बार फिर से हुआ इजाफा। पेट्रोल की कीमत अब लगभग पूरे देश में 100 के पार, दिल्ली में पेट्रोल 100.56 रुपए और डीजल 79.62 रुपए प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल 106.69 रुपए और डीजल 97 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंचा, कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 100.62 रुपए। भोपाल में पेट्रोल की कीमत 108.88 रुपए प्रति लीटर, पटना में भी पेट्रोल 102.79 रुपए प्रति लीटर। आज दिल्ली में 3000 जगहों पर सड़कों पर उतरेगी भारतीय जनता पार्टी, शहर में पानी की किल्लत को बनाएगी मुद्दा, मीनाक्षी लेखी और बिधूड़ी समेत तमाम सांसद और नेता करेंगे प्रदर्शन। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर आज बीजेपी करेगी प्रदर्शन, शहर के सभी बड़े नेता होंगे प्रदर्शन में शामिल, पानी की किल्लत के लिए केजरीवाल सरकार को बताया जिम्मेदार। आज देशभर में संयुक्त किसान मोर्चा करेगा प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध किया जाएगा, केंद्र सरकार पर आम आदमी की अनदेखी का आरोप है। चित्रकूट में आज से संघ की बड़ी बैठक, सरसंघचालक मोहन भागवत चित्रकूट में मौजूद, 12 जुलाई तक चलेगी बैठक।
कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर 5 लाख का लगाया जुर्माना। कहा ममता बनर्जी ने की न्यायपालिका की छवि खराब करने की कोशिश। ममता ने की थी जस्टिस कौशिक चंदा को हटाने की मांग। दिल्ली के उत्तम नगर में दिन दहाड़े हुई डकैती से सनसनी। 4 बदमाशों ने घर में घुसकर बंदूक और चाकू की नोक पर की चोरी। लाखों की नकदी और जेवर लेकर हुए फरार। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन ठग गिरोह का किया पर्दाफाश। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब तक 25 करोड़ की कर चुके हैं ठगी। यूपी में आज से शुरू होगा ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नामांकन। 10 जुलाई को डाले जाएंगे वोट, उसी दिन आएंगे चुनाव के नतीजे। उत्तराखंड में 100 यूनिट तक बिजली हो सकती है मुफ्त। 200 यूनिट तक आधे हो सकते हैं बिजली के दाम। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने कैबिनेट को भेजा प्रस्ताव। मेरठ के बहरोड में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। 3 लोग किए गए गिरफ्तार। भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। जमीन विवाद को लेकर 1 घंटे तक गांव में होता रहा तांडव। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आज मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद की शपथ लेंगे मंगू भाई छगन भाई। भोपाल में सीएम शिवराज ने किया मंगू भाई को रिसीव। बिहार के सहरसा में कोसी नदी का कहर। महिषी प्रखंड में विकराल बाढ़ का तांडव। सुरक्षित स्थानों की तरफ रवाना होने लगे लोग। सीतामढ़ी में बाढ़ से हालत हुए विकराल। बागमती नदी बरपा रही है कहर। सैकड़ों एकड़ फसल हुई तबाह। चेन्नई में 4 साल के बच्चे का सफल लंग्स प्रत्यारोपण किया गया। लंग्स ट्रांसप्लांट के बाद बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। रूस से इलाज कराने भारत आया था नजरिया। ओडिशा के पुरी में अंतिम चरण में भगवान जगन्नाथ के रथ का निर्माण। श्रद्धालुओं से घर पर ही रहकर दिया जलाने की अपील। कोलंबिया में हिंसक प्रदर्शन का दौर लगातार जारी। एक्टिविस्ट बोले सरकार को करनी चाहिए लोगों से बात। प्रदर्शन में अब तक 27 लोगों की हो चुकी है मौत। 106 दिन बाद स्वेज नहर से रवाना हुआ शिप एवरग्रीन। शिप से कई दिन बंद रही थी स्वेज कैनाल।